असलम जी उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे आज की वीडियो में हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट एम को डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग जॉब्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन है विच कंट्री फर्स्ट ऑफ आर रिकोगनाइज पाकिस्तान चार ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट है ईरान नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑप्शन सी करेक्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट वर्ल्ड कप की, की, की नहीं, तो ऑप्शन बी जो है हवाले से भी एरिया पूछा जाता है और पाकिस्तान के हवाले से मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट है एट एटी वन नाइन वन थ्री स्क्वेर किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज अहमद फैज वॉज इम्प्रेजेंट फॉर हिज एलिस्ट

कचूरा लेक इज सिचुएटेड इन ऑप्शन बी करेक्ट है बल्तिस्तान नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान इज ऑप्शन ए करेक्ट है चकोर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बिगेस्ट बैरेज ऑफ पाकिस्तान ऑप्शन ए करेक्ट है सकर बैरेज नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाखंड पास कनेक्ट्स पेशावर विद ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है तो ऑप्शन डी करेक्ट है चित्राल नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब पंजाब प्रोविंस प्रोविंस का पहला चीफ मिनिस्टर आपने बताना है तो ऑप्शन सी करेक्ट है इफ्तिखार हुसैन ममडोर नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर स्टोम ऑप्शन सी करेक्ट है काबुल नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग अ किशन गंगा डैम ऑन द रिवर ऑप्शन ए करेक्ट है जेलम नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ऑप्शन ए करेक्ट है रिवर रावी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन पाकिस्तान आपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बतानी तो, है तो ऑप्शन ए करेक्ट है सेवनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनाब एड जेलम ज्वाइंट ईच अदर एट द प्लेस ऑप्शन ए करेक्ट है त्रिमू नेक्स्ट क्वेश्चन है हब्बा खतून इज अ फेमस पोर्टस ऑफ विच लैंग्वेज ऑप्शन डी करेक्ट है कश्मीरी लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन है करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स गुरुद्वारा टू इंडिया करतारपुर कॉरिडोर जो है वो किस गुरुद्वारे को इंडिया के साथ कनेक्ट करता है तो ऑप्शन सी करेक्ट है दरबार साहिब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान सिक्योर्ड ग्वादर फ्रॉम ओमान तो ऑप्शन बी करेक्ट है फिरोज खान नून नेक्स्ट क्वेश्चन है टोम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन ऑप्शन सी करेक्ट है मुल्तान नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब गवर्नर ऑफ पंजाब है और मुस्लिम होना चाहिए और पहला होना चाहिए ऑप्शन ए करेक्ट है सरदार अब्दुल रब निशा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम ऐज ऑफ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन थ्री ऑप्शन सी करेक्ट है थर्टी ईयरस नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश शोल द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अडर द ट्रिटी ऑफ ऑप्शन बी करेक्ट है ट्रिटी ऑफ अमृतसर Next question when was Sui gas first discovered in Pakistan? Option B corrected in 1952. Next question is in was separated from Mumbai in option C corrected in 1935. Next question is the largest outfield Dam of the world is option C corrected at Dam. Next question is Operation Zerbal Az uh, underwent in the fo former FATA.

next question, is, defense day is observed on option a, character 6, september. next question, is, who was the first governor general of pakistan, option a, character Azam muhammad ali jinnah. next question, is, Which city is called the heart of pakistan, option b, character lahore. next question, is, park war of 1965, lasted for option a, character 17 days. नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें द फॉलोइंग सिटीज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाउंड ऑप्शन बी करेक्ट है बम्बई नेशनल कांग्रेस जो है वो बम्बई में तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें फॉलोइंग सिटी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंड तो ऑप्शन सी करेक्ट है ढाका अगर कांग्रेस का पूछ लिया जाए तो वो कहाँ है मुंबई में और अगर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पूछ लिया जाए तो वह ढाका में नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू इज अ वर्ड ऑफ टर्किश लैंग्वेज इट मीनस ऑप्शन सी करेक्ट है आर्मी Next question: Name the language in which the Holy Quran was translated for the first time in India. Option B correct: Persian. Next question: Who was the hero of pak India 1965 war? Option A correct: Major Raja Aziz Bhatti. Next question: Tenure of National Assembly and Provincial Assembly is. Option B correct: Five years. Next question: Number of houses of Pakistan Majlis -e Shora Parliament is.

गिलगित अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच